नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं हूं दीपक वर्मा। ऑल इन वन चैनल में आप सभी भाई का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको यह दिखाने वाला हूं कि अगर आपका जो थ्री फेस वाला स्टार्टर है उसका कॉइल जल जाता है तो आप उसे रिप्लेसमेंट कैसे कर सकते हो। मैं इस वीडियो में यही दिखाने वाला हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो ये जो स्टार्टर है, जी मेरे पास थ्री फेस वाला स्टार्टर है, तो इसका जो कॉइल है, जो बीच में कॉइल आप दे सकते हैं, जो बीच वाला कॉइल ये जल चुका है, तो मैं इसे निकाल के चेंज करके आपको पूरा दिखाऊंगा कि इसे किस प्रकार से आप चेंज कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो आइए देखते हैं ये काम हम किस प्रकार से करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये मेरे पास थ्री फेस स्टार्टर है, स्टार डेल्टा, ये सूखा है, तेल वाला नहीं है। तो इसमें अगर कॉइल जल जाता है तो कैसे उसे आप चेंज करके उसमें नया कॉइल डाल सकते हो। ये जो आप कॉइल देख रहे हो, ये सड़ चुका है, तो मैं इसे चेंज करके आपको दिखाने वाला हूँ इस कॉइल को किस प्रकार से आप डाल सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो दोस्तों, इस कॉइल का काम होता है इस कनेक्टर में मैग्नेट बनाना। जब आप इसको प्रेस करते हो इस जगह से बटन को, तो ये ऐसे चिपक जाता है। इस प्रकार से ये काम करता है। फिर आपका जो मोटर होता है, थ्री फेस मोटर चाहे मोटर हो, तो वो चलना शुरू हो जाता है। तो मैं इसी कॉइल के बारे में आपको बताता हूँ, इस कॉइल को निकालना कैसे है और आप रिप्लेसमेंट इसे कैसे कर सकते हो अगर ये आपके स्टार्टर में भी कॉइल जल चुका है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसमें जो लगा पेच है, ये वाला आप दे सकते हो, ये वाला पेच, इस पेच को मैं निकालने वाला हूँ। तो मैं अभी आपको निकाल के दिखाता हूँ। तो मैं इस पेच को पहले पेचकस की मदद से खोल लेता हूँ। तो मैं इसको खोल चुका हूँ। तो इस प्रकार ऊपर को खींचे आप, ऐसे जे निकल जाएगा। तो मैं इसको एक साइड पे रख लेता हूँ। इसमें एक वायर लगी है इस साइड पे, इसको मैं निकाल लेता हूँ। तो इस वायर को मैं निकाल चुका हूँ, साथ में जे वाली वायर, क्योंकि जहाँ से जे सड़ चुका था इसलिए मैंने इसको एक साइड पे कर दिया। अब क्या करेंगे, इसमें जे दो पत्तियाँ लगी होती हैं, इन पत्तियों को आपने सीधा कर लेना है थोड़ा इस प्रकार से। तो आपने इस प्रकार से इस कॉइल को निकाल लेना है। तो मैं इस कॉइल को निकाल चुका हूँ, जे सड़ चुका था इसलिए मैं इसे रिप्लेसमेंट करने वाला हूँ। तो मैंने नया भी लाया है जी कॉइल, जी है जी, मैंने नया कॉइल लाया है, तो इसे मैं डालने वाला हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ जी कैसे डलेगा। तो जी मैंने स्टार्टर ले लिया और इस कॉइल को मैं इस प्रकार से डाल लूँगा, बड़े आराम से लग जाएगा जी। इसको डाल के आपने क्या करना है, ये जो लॉक है थोड़े थोड़े, इसको आपने इस तरह से थोड़ा टेटा कर लेना है पत्तियों को, क्योंकि ये कॉइल बाहर को निकल ना जाए, इसलिए इस पत्तियों को हमने इस तरीके से हमने टेटा कर लिया। अब ये कॉइल बीच में अड़ चुका है। तो अब मैं इस कॉइल के कनेक्शन करने वाला हूँ, जो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसका कनेक्शन इस साइड पे होगा, अच्छी तरह से टाइट कर लेना है। तो दूसरा वाला कनेक्शन इस साइड पे होगा। तो मैं इन दोनों कनेक्शन को कॉइल के साथ कनेक्ट कर चुका हूँ। तो अब मैं ये जो हिस्सा मैंने निकाला था, इसको दोबारा मैं उसी प्रकार से डाल लूँगा और इसके ऊपर जो पेच है उसे अच्छी तरह से मैं टाइट कर लूँगा। तो मैं इसे अच्छी तरह से टाइट कर चुका हूँ। तो इस प्रकार से आप भी अपने जो स्टार्टर है घर पे लगा हुआ है, जो मोटरों के साथ खेतों में स्टार्टर लगे होते हैं सूखे वाले, तो इसी प्रकार से अगर आपका भी कॉइल सड़ जाता है तो आप उसे रिप्लेसमेंट इस प्रकार से कर सकते हो जिस प्रकार मैंने इस वीडियो में दिखाया है। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो जी मैं बिल्कुल सही कर चुका हूँ, इसको
इस कॉइल को चेंज करके नया डाल सकता हूँ। दोस्तों वीडियो कैसी लगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।